कटनी जिला अस्पताल आए दिन इलाज और मरीजों के परिजनों के साथ किसी न किसी बात को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही एक मामला फिर ब्लड दिलाने के नाम पर अस्पताल में मरीज के परिजनों से अवैध रुपए लेने का सामने आया है, जिसमें पीड़ित के परिजनों ने एक शिकायत भी जिम्मेदार अफसरों को की है और गाँव रीठी बड़गांव निवासी ने बताया है कि जिला अस्पताल में सांप काटने की वजह से भगवती लोधी को भर्ती कराया था, जिसे इलाज के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसके परिजन ब्लड के लिए यहाँ वहाँ इंतजाम करने में लगे रहे। जब वह ब्लड बैंक में गए तो पहले से वहाँ मौजूद अनजान शख्स ने उनसे 3,000 में ब्लड देने की बात कही, मगर गरीब ग्रामीण परिजनों के पास इतने पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने उसे ब्लड की आवश्यकता होने पर 1,000 दिए और वह युवक पैसे लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत भी वहाँ मौजूद जिम्मेदारों को की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हमको मैडम बोली थी ब्लड बैंक में जाकर ब्लड की जानकारी करो। हमने वहाँ गए, सुबह बैठा था बाहर, तो कहता है ब्लड चाहना है क्या? हमने कहे हाँ। कहता है मैं देता हूँ ब्लड, सांप काट दिया है जिठाने। क्या नाम उनका? भागवती। उसके बाद फिर हम अंदर गए हो, वो जाके तुरंत मैडम से बोलता है क्यों इनको परेशान करते हो, इनको ब्लड दे दीजिए। तो मैडम बोलती है क्यों तो ऐसा डायरेक्ट बोल दिया, क्या हमको शौक लगती है, होता ब्लड तो हम देना देती। किस मैडम ने बोला था ये? वहीं जहाँ रहती है नर्स। हाँ, वहीं 5 बजे जहाँ रहती है शाम की। हाँ। वो भी नहीं पहचान सकती है क्या। हाँ, फिर इसके बाद आया है सब ब्लड चेक करवाया है। तो वह ब्लड दूसरा निकल गया था, फिर बाद में वापस बाहर निकला है। वापस बाहर निकल के बोलता है हमको 2,000 रुपया दो। किस चीज़ का ब्लड हम चढ़वाते हैं, तुम खुद दूसरा आदमी को ले आते हैं। अच्छा। तो हम कहीं भैया हमारे पास 2,000 रुपया नहीं थी। मैडम उसको पहचानती थी? नहीं पहचाने। जो मैडम वहाँ पे हैं? नहीं पहचाने। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हम कहीं हमारे पास 2,000 रुपया नहीं है, मात्र 1,000 रुपया डला है। हाँ। तो बोलता है कि 1,000 अपनी तरफ से मैं लगा देऊंगा। अच्छा। हाँ, तो 1,000 मेरे से मंगाया है। हाँ। तो मैं वही नहीं दे यहाँ हूँ, अपने बच्चा को दिया। जब आप उसको पहचानती नहीं, आपने पैसे क्यों दे दिए उसको? झटका मार के ले लिया बच्चा के। हाँ। अच्छा। बच्चा के मैंने दिया 1,000। हाँ। वो कह रहा कि हम चलो हम एक और आदमी से ब्लड दिवा रहे हैं, पैसन में दिवा रहे हैं। हाँ। तो ब्लड चढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। हाँ। इसके बाद बच्चा को लेके भाग गया और वहाँ जाके झटका मार के पैसा भी छुड़ा लिया और यहाँ से ले गया मड़वारा स्टेशन से। ऐसा घुमाते घुमाते कहाँ ले गया है, कच्ची रोड पे जहाँ जैसी चलते हैं। आप कब आई यहाँ पे? कितना हुई बेटा तुम्हारे साथ? हमारे साथ हमारी मम्मी को ब्लड चाहिए था। हाँ। तो हम ब्लड बैंक गए, वहाँ पर लड़का बैठा था, वो बोला मैं ब्लड बैंक रक्तदान करता हूँ तो मैं रक्त दे दूँगा। तो हमने कहा ठीक है दे दो। तो वो रक्त चेक करवाया तो हमको रक्त वो ए पॉजिटिव बी चाहना था, तब तो उसका ओ निकला। तो वो बोला मैं दूसरा लड़का बुलाए देता हूँ, वो पैसा लेगा 2,000। तो मैंने 1,000 रुपये उसको दे दिए। तो मेरे पैसे लेके भाग गए ना, तो वो ब्लड दिया। तो इसकी शिकायत तुमने थाने में नहीं की? सर मेरे को पता नहीं था थाना कहाँ है। तो तुमको जानकारी नहीं थाने की कहाँ है? तो ये कितने बजे की घटना है? 5 बजे कल की, आज कल की, कल की 5 बजे की। आप कब आए थे यहाँ पे भर्ती होने? परसों। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।